Winship, West Chancellor, Eaton, Deesa, Manisa, I welcome you. Now I request Deesa to say a few words to the interns. Mr. Kapil Mishra, Mrs. Praniti Mishra, Dr. Manik Saxena, Dr. Rajesh Kumar, and all my dear students. हमने आपको इंडिविजुअली मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था ताकि सबको एक साथ बधाई दे सके। बहुत बहुत बधाई। हम सभी फैकल्टी मेंबर, टीएसएम मैनेजमेंट एंड टीएसएम परिवार को बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया। बहुत बहुत बधाई। और ये सर आपके पेरेंट्स ने जो आप पे इतना विश्वास किया और इतना फाइनेंशियल लोड अपने ऊपर लिया, ये सब उसी का परिणाम है। आपने उनके विश्वास को खरा रखा और उनको निराश नहीं किया। आप ईएसएम के पहले बैच के इंटर्न हैं और इसलिए, और मैं भी आपके साथ फर्स्ट ईयर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा आपसे अलग स्नेह है। और टीएसएम का नाम अब आपके साथ चिपक गया है कि अब जहाँ जाएंगे लोग आपको टीएसएम के स्टूडेंट के नाम से जाना जाएगा और इसको आप कभी नहीं हटा सकते, है ना। जिस तरह से आप अपना व्यवहार रखेंगे, अपना एटीट्यूड रखेंगे, तो टीएसएम के अंदर आपके जूनियर उसको फॉलो करेंगे, और जो व्यवहार और एटीट्यूड टीएसएम के बाहर रखेंगे उससे टीएसएम के बारे में लोग अंदाज लगाएंगे कि ये टीएसएम क्या है, वहाँ इसलिए सिखाते हैं या टीएसएम के इंटर्न्स बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारे यहाँ बाहर के इंटर्न्स आते हैं और वो पेशेंट को देखते हैं तो हम अंदाज लगा लेते हैं कि हिंद में ठीक पढ़ाई हो रही है कि नहीं, मेयो में ठीक ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं। इसी तरह से आपको देख के लोग अंदाज लगाएंगे। अब आपको एक जिम्मेदार और डिग्निफाइड डॉक्टर के रूप में पेशेंट्स और सबॉर्डिनेट से बिहेव करना पड़ेगा। मैं आपको पिछले बार जब मैं आपके एग्जाम के पहले मिला था तब भी आपको ये समझाया था, एक डिग्निटी बना के रखनी पड़ेगी। पेशेंट की कंप्लेंट को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं पेशेंट ने बोलना शुरू किया, पेन उठाए और लिखना शुरू कर देते हैं, उससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस आपको देते हैं ये तो हमारी बात तो सुनी नहीं इन्होंने, पहली दवाई तो भले उसको ध्यान से ना सुन रहे हो बट लेट हिम और हर कंप्लीट हर कंप्लेंट्स, लिसन टू दैट एंड देन इधर यू क्रॉस क्वेश्चन, बीच में बिल्कुल मत रुकिए, फिर क्रॉस क्वेश्चन करिए और फिर आप उसका ट्रीटमेंट करिए। काम की जितनी क्लिनिकल मेथड्स हैं और टेक्स्ट बुक हैं अब आपके सबके पास, स्मार्टफोन और 128 GB मेमोरी एंड 256 GB मेमोरी वाला उसमें डाल के रखिए। जब पेशेंट आया उसी समय रेडी रेफरेंस में उसको देखिए, वहीं के वहीं आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो पढ़ा था और जो हम आपके डायग्नोसिस बना रहे हैं इसमें डाल के रखिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ एनएमसी की तरफ से आई है लॉग बुक, आप लोग अपनी अपनी लॉग बुक साथ में शुरू रखिए, उसको भरते जाइए, उसके कंप्लीशन के बिना आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन नहीं मिलेगी, अननेसेसरी आपको रिपीट करनी पड़ जाएगी, है ना, तो आप उसका ध्यान रखिए। अब आप जब इंटर्नशिप करते हैं तो हर इंटर्न, ये एडवाइस है ऑर्डर नहीं है ना, हर इंटर्न के पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए, उनका पेटलर हैमर होना चाहिए, एक टॉर्च होनी चाहिए और इंच टेप होना चाहिए। सब के अपने अपने इम्पोर्टेंस हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं इसके अलावा, ये चार बेसिक चीज़ें एक बैग में यू मस्ट कैरी एज अ डॉक्टर। यू मस्ट कम इन रेस्पेक्टेबल अटायर, फटी जीन्स पहन के, चप्पल पहन के, सैंडल पहन के, बट देयर शुड बी डिफरेंशिएशन बिटवीन योर सबॉर्डिनेट वार्ड बॉय एंड नर्सिंग असिस्टेंट एंड अ डॉक्टर। आप रेस्पेक्टेबली ड्रेस रहोगे, गोल गले की शर्ट पहन के चले जा रहे हैं, छप्पा वाला लगा हुआ, चमकीला वाला, तो जो भी ब्रांडेड चीज़ें आपको दिखानी है ऑफ ड्यूटी आवर्स में पहननी है ना,
यहाँ पर बहुत रेस्पेक्टफुली ड्रेस रहना चाहिए, यूज डॉक्टर्स वाइट कोट वेन एवर यू आर ऑन ड्यूटी, तो लोग दूर से पहचान सके, अपनी नेम प्लेट रखिए ताकि लोग आपको पहचानेंगे डॉक्टर साहब जा रहे हैं। और जैसे वार्ड में है कुर्सियाँ नहीं हैं तो टेबल वेबल पर मत बैठिए, मंगा लीजिए किसी से बोल लीजिए यार दो चार चेयर यहाँ लगा दो, हम लोग यहाँ बैठे, मान लो बड़ा दो डॉक्टर साहब लोग चेयर पर बैठे हैं, तीन टेबल पर चढ़े हुए हैं, चौथा पंखे पर लटका हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब दिस इज वॉट आई विल टॉक अबाउट द डिग्निफाइड मैनर, बिहेव वेरी डिग्निफाइड मैनर, टॉक डिग्निफाइड मैनर, बी रेस्पेक्टफुल ईच एंड एवरी स्टाफ, चाहे वो सफाई वाला, चाहे वो वार्ड बॉय, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट है, अगर आप किसी को आप बोल देंगे प्यार से बुला देंगे तो आपका कुछ लड़सी कॉस्ट नथिंग फेज इन मोर, ये सब आपने सुना होगा ना, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे बात है। अगर आप लगे इधर आ तो उसको लगेगा यार भैया इससे दूरी रहो, ये जरा बहुत बेहुजती से बात करते हैं, है ना। सिमिलरली यू शुड बी रेस्पेक्टफुल टू योर क्लर्क्स, नर्सिंग स्टाफ, योर पेशेंट एंड सीनियर डॉक्टर्स, बी वेरी रेस्पेक्टफुल, बिकॉज सीनियर डॉक्टर्स आर गोइंग टू टीच यू। अब जो है आपकी ज़िंदगी की लड़ाई अब शुरू हुई है, अभी तक तो किताबों में और उसमें पास फेल में सब चिपका हुआ था, इधर से पेपर आउट होगा भी नहीं होगा और वहाँ से नंबर आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, अब वो सब खत्म हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है पेशेंट है, उसको आप अगर सही डायग्नोसिस दे देंगे तो आपका रिजल्ट है, और सही डायग्नोसिस नहीं देंगे तो आपको छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा यार इनको कुछ नहीं आता। तो बी पोलाइट विथ पेशेंट एंड रिलेटिव एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न गुड थिंग फ्रॉम सम एवरीबॉडी, हर आदमी में कोई ना कोई अच्छी बात होती है। हम लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं यार उसको ये नहीं आता, अरे वो ठीक से बात नहीं करता, अब वो पान खा के बात करता है ना, बट एवरीबॉडी हैज सम गुड क्वालिटी एंड यू शुड इनवाइट हिम। Ignore the bad qualities. You are not looking at bad qualities. And try to learn skill, on-hand skill जो भी हो। अगर कोई sister IV drip लगा रही है तो you try your hand. You should learn कैसे drip लगाते हैं। Blood pressure ले रही है तो you should take blood pressure. How to take it. ECG नहीं हो रहा है तो try and take ECG yourself. You must have knowledge of everything. Because now you go to your hometown, your villages, people think that you are full-fledged doctors. And if you don't know about anything, you yourself will feel ashamed. कि यार ये मेरे को ये भी नहीं आता, इनके लिए सब मेरे से ये पूछ रहे हैं। And there should not be, as I always say, better doctor than you yourself. तुमको अपने कलीग से, अपने अगल बगल वाले से बेहतर डॉक्टर बनना है, और उसका एक ही तरीका है, पढ़ो, मरीज देखो, फिर पढ़ो, और फिर समझो कि क्या हमने गलत किया और इम्प्रूव हो सकता। एंड यू मस्ट बी द बेस्ट, ऑलवेज द बेस्ट। डॉक्टर्स के लिए कोई सेकंड ग्रेड होता ही नहीं, डॉक्टर मस्ट बी बेस्ट। बाहर देखते हो कि अपनी मार कुटाई चलती रहती है ना, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। प्यार से बात करोगे, अच्छे से लिखोगे और लोग खुश रहेंगे। गिव रेस्पेक्ट टू द पेशेंट प्राइवेसी, उससे कोई क्वेश्चन करना है, उससे कोई प्राइवेट क्वेश्चन करना है या उसको एग्जामिन करना है तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके स्क्रीन लगा के पब्लिकली उसके उसको बेइज्जत नहीं करना है ना। बड़ी पोलाइटली कॉर्नर में जो एग्जामिनेशन टेबल है वहाँ लिटा के फिर उससे बात करिए। कभी फॉर बॉयज और मेल डॉक्टर्स Never examine a lady patient without a lady attendant. बहुत सारे unnecessary allegations आने लगते हैं केवल एक छोटी सी असावधानी के वजह से। कोई लेडी अटेंडेंट नहीं है तो कोई अनरिलेटेड लेडी को वहाँ बगल में खड़ा कर लीजिए और examine the patient. But please, for God's sake, never examine a lady patient without any attendant. Always write with legible handwriting. जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था कि डेट और उसके साथ टाइम जरूर डाला करो। टाइम डालने का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि टाइम डालने से ये मालूम है कि किस समय जब आपने मरीज देखा था उस समय उसकी
की हालत ये थी और उस समय मरीज जिंदा था कि नहीं था, अदरवाइज उसका यही मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज हम परेशानी में पड़ते हैं जब टाइम नहीं लगते। और अब एनएमसी की गाइडलाइन है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में लिखना है, नो रनिंग लेटर्स एम्पिसिलिन एनालिन प्रोसिन जो भी लिखना है ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, क्योंकि लुक अलाइट साउंड अलाइट ड्रग्स होती है ना, तो उनके साथ क्या होता है कि आपने लिखा डायडिन वहां दे दिया उसने डिजिटलिस है ना, तो पेशेंट के लिए मुश्किल हो गई। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो लिख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली लिखें, उनको समझ में आना चाहिए, नीचे जो आप दस्तखत कर रहे हैं उसके नीचे आपके स्टाम्प होना चाहिए या नाम होना चाहिए, और सब लोग स्टाम्प बनवा लेंगे जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर स्टाम्प में होना चाहिए, है ना। दीज आर ऑल एनएमसी रिक्वायरमेंट, एंड अगर किसी मेडिकल लीगल केस में फंस जाएंगे तो इन्हीं सब बातों से बच पाएंगे, नहीं तो आपके सीनियर चाहेंगे भी तो आपको बचा नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। इफ यू हैव एडमिटेड अ पेशेंट और इफ यू हैव रिफर्ड अ पेशेंट, प्लीज गो एंड फॉलो अप इन द वार्ड। मैंने इसको मेडिसिन वार्ड, आप सर्जरी में काम कर रहे हो, मेडिसिन में अगर आपने रेफर किया तो उसको जाके ड्यूटी से जाते सब देख के तो कि जो मैंने इसको समझ के भेजा था उसको वही इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या वहाँ किसी ने उसको देखा कि नहीं देखा, या जो पेशेंट आपने ओपीडी में रेफर किया था उसको बोला कि ये वहाँ आप दिखा लेना और उसको लौट के मुझे ट्रीटमेंट बताना कि आपको क्या करना, सो दैट यू कैन फॉलो अबाउट योर प्रोविजनल डायग्नोसिस। And you must treat disease, not the patient symptoms. मतलब कि खांसी है तो कफ सिरप दे दिया, बुखार है तो क्रोसिन दे दिया, नो। अगर कफ है तो यू थिंक कि ये इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको टॉन्सिलाइटिस है, या इसको ट्यूबरक्लोसिस है, और या इसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन चल रही है जिसकी वजह से कुछ पेशेंट को कफ होने लगता है ना, जब उसकी जड़ पे जाओगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप इलाज लेते रहो पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भागता रहेगा और आपने उसके कॉज को एलिमिनेट किया ही नहीं। एंड आई ऑलवेज से ओबे योर सीनियर डॉक्टर्स बिकॉज दे विल टीच यू करेक्ट थिंग। आप लोगों की तो रैगिंग हुई नहीं तो आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंस नहीं मालूम, नहीं तो आपका जो इमीडिएट सीनियर होता है दे यूज टू बी योर गॉड फादर, दे यूज टू टीच, हाथ पकड़ के वो आपको सर्जरी सिखाते थे, हाथ पकड़ के वो चेस्ट ट्यूब डालना सिखाते थे, हाथ पकड़ के वो लंबर पंक्चर सिखाते थे कि कैसे पेशेंट का लंबर पंक्चर किया जाता है, एंड दैट जिसने जितने ज़्यादा रैगिंग ली है वो उतने ज़्यादा अफेक्शन से आपको ट्रीट करता था, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। देर आर सर्टेन डोंट्स ऑल्सो कि डोंट बिहेव, जैसा मैंने कहा डोंट बिहेव इरेशनल विद द स्टाफ और सिक्योरिटी और द पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स, डोंट आर्ग्यू अमंग्स योर सेल्फ योर बैचमेट्स और कलीग्स और सबॉर्डिनेट्स एंड पब्लिक, उससे बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है क्या कि आपस में एक सलाह नहीं है तो इलाज हमारा क्या करेंगे। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट है पेशेंट को बैठा दो किनारे बगल के कमरे में जाओ, वहाँ अपनी जितनी बढ़ा से निकालो, फिर वहाँ सामने आके पेशेंट से बहुत शांति से बात करो। किसी को डांटना है तो उसको एक कमरे में ले जाओ और जितना डांटना है डांट लो, पेशेंट के सामने उससे इज्जत से बात करो, है ना। हर आदमी यू कैन स्लैप ए मैन एंड गेट अवे बट यू कैन नॉट स्लैप अ पर्सन ईगो एंड यू कैन नॉट गेट अवे, नेवर हर्ट एनीबडीज ईगो। डोंट बी लाउड और इरेशनल, यूपी में आता है आप लोग बात जो है ना आपस में नहीं करते, दूसरे को सुनाने के लिए करते हैं जोर जोर से ताकि बगल वाला सुन के इंप्रेस हो बहुत अच्छी बात करें। प्लीज डोंट डू व्हेन यू आर एक्टिंग लाइक ए डॉक्टर इन ए क्लिनिक, तो लाइटली सॉफ्टली बात करें, एंड डोंट बी लेट और अब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटीज बिकॉज यू विल मिस ऑन इम्पॉर्टेंट लर्निंग, एवरी डे इज लर्निंग, नेक्स्ट 365 डेज इज योर लर्निंग एंड बेसिस ऑफ योर फ्यूचर मेडिकल लाइफ। जो भी मेडिकल प्रोफेशन को आगे फॉलो करना चाहता है, बहुत सारे लोग बिजनेस बिजनेस में भी जाएंगे, बट जो मेडिकल प्रोफेशन को फॉलो करना चाहता है उसके लिए 365 डेज आर बेसिस, एंड डोंट एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट,
दो चार दिन इंटर्नशिप की, फिर अन्य काम हो गए, खुदा इलाज बताने लगे कि अब इसको ये नहीं लगेगा, इसको हम निफिटपिन दे देते हैं, इसका ठीक हो जाएगा। और वो अपने सीनियर डॉक्टर, जो भी आपने ट्रीटमेंट लिखा है उसको सीनियर डॉक्टर से काउंटर साइन करवा दो, इस तरह ठीक है इस कंडीशन में, क्योंकि उनका 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर टीच यू करेक्ट। यू शुड नॉट लूज ट्रैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बींग ए इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टर। आपकी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अपने प्रोफेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जैसा बिहेव करेंगे, एक डॉक्टर गलत बिहेव करता है तो पूरे डॉक्टर को उसी से नाम देते हैं, अरे डॉक्टर तो सब यार ऐसे होते हैं, बकवास करते हैं, या डॉक्टर्स को इलाज करना नहीं आता, अरे डॉक्टर तो पेट खोल के पैसा ले लेते हैं। तो किसी एक डॉक्टर की गलती से पूरी सोसाइटी नप जाती है, है ना। प्लीज बिहेव इन अ रैशनल मैनर एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर सीनियर्स। अगर आपको कोई हर चीज का साइंस वही है जिसका हर चीज का जवाब होता है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, नो, इट शुड बी रिटन इन बुक्स। अब तो गूगल मैप सब लोग के पास है, कुछ नहीं तो गूगल खोलो, उसमें देखो भाई ये क्यों हो रहा है ना। You must know the reason for what you are asking. If your senior cannot explain, ask, look into Google or ask some other senior, but you should satisfy your question. As I told you, never criticize any person in public, and especially a person who is not present amongst you when you are sitting. वो बंदा बैठा ही नहीं है और उसको आप उसके खाल उधेड़ रहे हैं, है ना, बकिया उधेड़ रहे हैं, please don't do that. Be a gentleman or lady, don't talk bad about others. Again, always respect your seniors, you will learn and you will go places if you follow your instincts. मैंने पहले भी कहा था कि क्लास में टॉप करने से, बहुत अच्छे नंबर लाने से और अच्छे डॉक्टर बनने में कोई तालमेल नहीं। जो लोग मीडियोकर एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, पेशेंट से उनका बात करने का तरीका अच्छा है, और अब वो मरीज को देख के उसका ठीक इलाज करते हैं, पढ़ाई ठीक से करते हैं, दे विल गो वे अहेड देन देयर टॉपर्स। एंड यू मार्क माई वर्ड, यू विल डू वेरी वेल इन लाइफ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड Being in touch, I will like to see it till I am allowed to my first batch, how is it doing. Thank you very much. During this final year examination, many of our students have done very well and secured distinction in many subjects. I request our vice chair and sir to state these students. I call out their names and I request students to come one by one. Distinction in ophthalmology, Ahmed Osama Sidiqui. There are four distinctions in community medicine, Akanksha Yadav. Ops and Gyne, Sidra Iqbal, Kirna Sumani, Shreya Subra,
been Shikhar. तो अगर आपने इंटर्नशिप में इंटीरियर लेजर टैग किया होगा
तो आप कर पाएंगे, वरना आपकी नेफ्रोलॉजी की डिग्री उस समय के लिए बेकार हो जाएगी। तो एमबीबीएस को लोग एक आधार के तरीके से मानते हैं, उसके ऊपर ग्रेडिंग खड़ी करते हैं। तो एमबीबीएस का आधार बहुत मजबूत होना चाहिए, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। और जैसा कि सर ने कहा, हमारे जियोलॉजी के प्रोफेसर सर ने कहा था, मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था 95 कि अ डॉक्टर शुड लुक लाइक अ डॉक्टर। हम जब किसी के पास अपना गैजेट रिपेयर कराने जाते हैं तो शॉप को देखते हैं, मैकेनिक को देखते हैं, और हमारा 1 लाख रुपए का आईफोन होता है, तो उस आईफोन को देते वक्त हम ये सोचते हैं कि पता नहीं ये सही कर पाएगा कि नहीं सही कर पाएगा। अगर दुकान छोटी होती है, क्लमजी होती है, उसका ड्रेस सेंस या बोरी खराब होती है, आप सोचिए आपके पास मरीज और उसके रिश्तेदारों ने अपना वो शरीर देने जा रहे हैं, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो मेरे साथियों, अ डॉक्टर मस्ट लुक लाइक अ डॉक्टर, जो सर ने आपको डिटेल में डूज और डोंट्स उनके बताए हैं। एक चीज जो अगर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर अलाउ करेंगे, वो मैं शुरू करना चाहता हूँ कि एक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और हर हफ्ते कोई सा एक दिन तय कर लेते हैं, क्योंकि कुल मिला के 20 या 30 ऐसे टॉपिक्स होते हैं मोटे तौर पे, ऐसे तो मेडिकल साइंस खास समुद्र है, लेकिन 20 या 30 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके विषय में अगर आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का मास्टरी है, तो आपको किसी भी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी में जाएंगे, आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहूंगा अगर प्रिंसिपल सर अलाउ करते हैं, हम लोग ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और हफ्ते में एक दिन 2 घंटे से 3 घंटे हम लोग उस पर, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करूंगा और आप लोगों के साथ क्वेश्चन आवर का सेशन मैं रखना चाहूंगा, जिससे जब हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो वो आपको पीजीएमई में भी काम देंगे, क्योंकि पीजीएमई में जो क्वेश्चन पेपर बनता है जिसको नीट बोलते हैं, वो भी आमतौर पर कुछ क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे साइटोजेनेटिक्स पे सवाल आ गए, सीडी मार्कर पे सवाल आ गए, एम्स वाले बनाते हैं तो उनको, लेकिन ज्यादातर सवाल उन्हीं टॉपिक से होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई विल टेक परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल सर एंड ही अलाउज, हम लोग इस प्रोसेस पे काम करेंगे। वैसे तो स्पीच जैसा कुछ भी नहीं है, एक आप लोगों ने मेडिसिन में सबने किताब पढ़ी होगी हैरिसन, 1950 में इसका पहला एडिशन आया था, और 1950 में हैरिसन साहब ने अपने एडिशन में लिखा था, वो एडिटर थे वो, अब तो 20वां या 21वां एडिशन चल रहा है मेरे ख्याल से, नो ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, no greater opportunity or obligation can fall lot of a human being than to be a physician. उस समय physician का मतलब doctor, surgeon, सभी चीजें। उनका कहना है ऐसा कोई भी काम obligation किसी भी व्यक्ति के दिल में नहीं आ सकता जितना कि एक physician या surgeon के दिल में आता है। आगे वो कहते हैं, in the process of care of suffering, he or she needs technical skill, scientific knowledge, most importantly human understanding। और human understanding समय के साथ धीमे धीमे जब आप patients listener हो जाते हैं तो develop होती है। आगे वो कहते हैं, he who uses these with courage, humility, विनम्रता and wisdom, knowledge और wisdom में फर्क होता है। knowledge है कि okay, say anything जो हमको मदद कर लिया है हम लोगों ने, और विजडम है उसको हमको अप्लाई कैसे करना है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है, आगे चलकर आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो फिर से बोलता हूं, he who uses these with courage, humility and wisdom will provide a unique service to his fellow human and will build an enduring edifice of character within himself। फिर आखिरी का कंक्लूजन क्या कहते हैं, a physician and doctor, the physician should ask of his destiny no more than this, ना तो इससे ज्यादा किस्मत से कुछ मांगना चाहिए, and he should not be content with no less, ना ही इससे कम पे उसको content होना चाहिए। तो इन लाइनों में एक पूरा का पूरा डॉक्टर का चरित्र छुपा हुआ है जो हम लोगों को अपने आने वाले जीवन में फॉलो करना है। अब एक डायकोटमी जैसी आ जाती है मन में कि हम पीजी की तैयारी करें कि हम इंटर्नशिप करें, तो इसमें अगर हम टाइम का वाइजली मैनेजमेंट करते हैं तो दोनों चीजें कर सकते हैं। हम 7-8 घंटे थ्योरी की पढ़ाई करें, 7-8 घंटे इंटर्नशिप करें,
7-8 घंटे अपने सोने के और दैनिक गतिविधियों में लगाएं और एक साल को तपस्या मात्र चले, then you would be an excellent doctor, you would be also be able to beat the PGME exam. So, just to finish, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे, सर ने ऑलरेडी आपको सारे पर्स इतने बता दिए हैं और अब आपको हॉस्पिटल में सीखेंगे और मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, मेरा ऑफिस हॉस्पिटल ब्लॉक में सेकंड फ्लोर पर है, आपको हॉस्पिटल में सीखने में किसी किस्म की कोई दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि एक साल बाद मैं चाहूँगा जब हमारे PSN के आप सब साथी निकले यहाँ से और कहीं भी इंटरव्यू में अपीयर हों, कहीं भी जाएँ, तो हमारे टॉर्च बियर के जैसे हैं और उसमें आपके साथ जितनी आप मेहनत करेंगे 24/7 प्रिंसिपल सर के गाइडेंस में, वाइस चेयरमैन सर के गाइडेंस में, मैम के गाइडेंस में, मैं भी उसमें कोई भी प्रयत्न अपने पीछे नहीं हटूंगा, 24/7 मेहनत आपके साथ करने के लिए मैं भी तैयार रहूंगा. सो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर. थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज आप लोग के लिए हमने कोशिश करी थी कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, इनको बुला लें आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए, बट आई एम सॉरी वो थोड़े बजट के बाहर हैं हमसे, सो इसलिए ही आप टू बेयर विद अस. बट सीरियस नोट, ऑन बिहाफ ऑफ आवर चेयरमैन सर, आवर चेयरमैन मैम, प्रणती मैम है यहाँ पे, एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मैनेजमेंट, मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा. योर हार्ड वर्क, योर स्लीपलेस नाइट्स, योर ग्रुप स्टडीज, आई डोंट नो हाउ मच इट वर्क, बट योर ऑल योर हार्ड वर्क, दे हैव पेड ऑफ. एंड आप लोग आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years नाउ, आप लोग ग्रेजुएशन और अपने रजिस्ट्रेशन से बस एक स्टेप दूर हैं, ऑलमोस्ट ग्रेजुएटिंग माने आपके फाइनल एग्जाम्स क्लियर हो गए हैं. एंड आप सब ने बहुत अच्छा करा है, सो इसके लिए मैं चाहूँगा एक बार आप लोग सब खुद अपने लिए ताली बजाएं. एंड आप सब लोग, एंड इनफैक्ट हम लोग लकी थे टू हैव प्रिंसिपल सर एज अ डीन, एंड उनकी गाइडेंस में आप सब लोग गए, एंड आई डाउट हम सबको इनसे अच्छे कोई मिल सकता था एज अ गाइडिंग फैक्टर, जिनके डोर्स हमेशा ओपन रहते थे फॉर एनी सजेशन, एनी ओपिनियन, एनी क्वेरीज, या कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को लेके भी. सो एंड अब आप लोग से बोलना चाहूँगा कि एडिशनल CNS सर हैं डॉक्टर मालिक, सो अब कॉलेज से निकल के हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत अभी इनकी अंडर गाइडेंस में आने वाले हैं. एंड ही इज़ वेरी यंग, बल्कि मुझे नहीं पता था इतने साल का एक्सपीरियंस है, और देखने में 30-35 से कम ही लगते हैं, बट आप लोग अब इनके अंडर भी सुपरविजन में रहेंगे, एंड ही अश्योर्ड कि हॉस्पिटल को मैनेज करने के साथ साथ ही मेक श्योर कि प्रायोरिटी आप लोग रहेंगे, बिकॉज आप लोग अब बस एक स्टेप दूर हैं. 90% आप लोगों ने जो टफर काम था, जो सबसे टफ पार्ट था, उसको अब आप लोग उससे निकल चुके हैं. अब बस एक साल ये है जिसमें आपका मेक और ब्रेक सिचुएशन है, जैसे प्रिंसिपल सर डॉक्टर मालिक कह चुके हैं, मेरे को ज़्यादा बचा नहीं है, डूज एंड लोन्स एंड एवरीथिंग बचा ही चुके हैं, एंड वही ज़्यादा बेटर है बताने के लिए, बट ये बस एक साल रह गया है. इसमें आप लोग को बस जितनी मेहनत आप लोग करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बस इसमें अपना सारा आपको मेहनत अपनी लगा देंगे. ये नहीं कह रहा कि 14 आवर्स का कैलकुलेशन इन्होंने बताया था, देख रहा था 7 आवर्स स्टडीज एंड 7 आवर वर्क, बट जितना स्टेप बाय स्टेप आप कर पाए, जितना ज्यादा करेंगे वो आप ही के बेटरमेंट के लिए होगा. एंड मैंने जितना जहाँ तक बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि दो फील्ड्स होती हैं जहाँ पे कभी स्टडीज खत्म नहीं होती हैं, दैट्स प्रॉब्ली लॉ प्रोफेशन एंड मेडिकल प्रोफेशन. सो बीइंग अ लॉयर सिंस लास्ट 12 इयर्स, मैं बता सकता हूँ कि मैं कहीं भी अपने प्रोफेशन को कंपेयर नहीं कर सकता टू योर प्रोफेशन, बिकॉज जो मेहनत और जितना हार्डवर्क और जितनी टफ स्टडीज आप लोग के लिए जिसको पार करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आर प्रोफेशन इज नोवर कंपेयर टू योर प्रोफेशन.
यू आर वे मच अबव अहेड एंड जो मेहनत करी है अब आपका उसको रिजल्ट आ ही गया है, हम सबके सामने आप सब बैठे हैं, अब बस एक साल और एंड आई एम श्योर योर पेरेंट्स योर फैकल्टी मेंबर्स इनफैक्ट अस एज मैनेजमेंट आर सो प्राउड ऑफ यू एंड आप लोग से एक स्पेशल अटैचमेंट है ही हम लोग का बिकॉज जहाँ भी होगा जहाँ भी जिस स्टेज में अभी से जितने साल बाद भी TSM जिस पोजिशन में होगा हम बहुत ही प्राउड उसके साथ कह सकेंगे कि हमारा फाउंडेशन आप लोगों ने रखा, आप लोग हमारे फाउंडेशन है, हमारे पहले बैच है एंड इसके वजह से हमेशा एक स्पेशल अटैचमेंट आप लोग के टूवर्ड्स हमारा रहेगा। प्रगति मैम और हम हमेशा से जब से आप लोग आए थे कोशिश में थे कहीं ना कहीं जहाँ जो इन्वॉल्वमेंट हो पाए जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट रखा या देखिए आप लोग बल्कि आप लोग तो ट्रेंड सेटर्स हैं एंड एक स्टैंडर्ड सेट करने का बाकी नेक्स्ट जितने बैचेस आने वाले हैं उसके वो आप ही की टूर देखेंगे एंड आप ही लोगों ने कई चीज़ें चाहे टेस्ट को लेके हो चाहे बहुत से हो सब आप लोगों ने आप लोग की मेहनत से वो शुरू हुई है जिसमें मैं अभी आप लोग यहाँ हैं लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंस सारे बैच के आपके जितने बैचमेट से भले ही कुछ अभी यहाँ पे नहीं है बट सबके लिए इक्वल इम्पोर्टेंस है, आप सब ने मिल के करा है एंड जो अभी कुछ रह गए हैं आई होप कि आप सब उनके साथ एज अ इक्वल लेवल एंड कोऑर्डिनेशन उनको अगर अभी थोड़ी हेल्प भी चाहिए सो देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड द बैचमेट्स हु आर लेफ्ट अ लिटिल बिहाइंड सो सब इक्वल हैं, सब आप लोग भी अपने नज़र में इक्वल रखिए, हमारी नज़र में आप सब पूरे इक्वल हैं एंड आप लोग से जैसे मैंने कहा एक स्पेशल अटैचमेंट हमेशा रहेगा और आप लोग एक एज अ स्टैंडर्ड सेटर है ही है फॉर ऑल द बैचेस टू कम सो आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू फ्यूचर एंड बस एक साल और एंड हमें पता है कि इस 5 साल में एजुकेशन निकले उसमें कई इश्यूज भी रहे हैं आप लोग के कुछ इश्यूज प्रिंसिपल सर को रहे हैं आपसे बट वो सब पार करके उससे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं जो प्रॉब्लम्स आप लोग लाए कुछ इश्यूज आप लोग को थे क्योंकि हम लोग भी न्यू कमर ही थे इसमें एंड हम लोग की जर्नी साथ में ही शुरू हुई है हम लोग बस एक साल पहले हॉस्पिटल शुरू हुए वेट नेक्स्ट ईयर आप लोग हमारे साथ थे तो जो भी कुछ सीखा है मैनेजमेंट ने हम लोगों ने वो आपके साथ ही हम लोग भी ग्रो ही करें आप लोग के साथ ही सीखें सो मैं आप सब को इक्वल लेवल पे मानता हूँ एंड आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू फ्यूचर एंड वर्क हार्ड मेक योर फैमिली प्राउड वी आर एज इट इज वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन Don't indulge in study or medicine. Keep a hobby. Keep yourself relaxed so mental tension will be less and you will be available to society in a better frame of mind. Keep relaxed also. Achieve your goals easily and in a relaxed manner. Thank you.